और इन्फी का रहेगा। HDFC लाइफ के केस में आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि मुनाफा बढ़ा है, 359 करोड़ से बढ़कर हल्की सी बढ़त आई है, 412 करोड़ पर कंपनी ने डिलीवर किया है। हाउएवर कंपनी की जो एनुअल प्रीमियम अर्नड है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, ये 4727 करोड़ के आसपास आती हुई, लेकिन इसके ठीक सामने नेट प्रीमियम अर्न जो है वो करीब करीब 20488 करोड़ पर आई है। तो नेट प्रीमियम में इजाफा लेकिन एनुअल प्रीमियम अर्न में इस क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है सालाना आधार पर, और मुनाफा हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इंतज़ार रहेगा इनके वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का और VNB मार्जिन्स कहां पर आए हैं। टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न इस क्वार्टर के लिए हल्की सी नीचे आती हुई, इनफैक्ट VNB का भी डिटेल आ रहा है, ये 1234 करोड़ पर आता हुआ, तो ये भी करीब करीब 12% घटा है। VNB मार्जिन 26% पर है वर्सेस 29.3%, और वो VNB मार्जिन्स और VNB का नंबर थोड़ा सा निराश करता हुआ दिखाई देगा। एनुअल प्रीमियम अर्न भी थोड़ी सी ट्रिम होकर ही आई है, स्टॉक 612 के आसपास ही इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा निराशाजनक है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट वो हल्का सा घटा है। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। आशीष, स्टॉक तो थोड़ा सा स्टेडी है, कोई बैक ऑफ द एनवेलप कोई कैलकुलेशन एनालिसिस HDFC लाइफ? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए मेरे हिसाब से अभी हम लोगों ने थोड़ा इंश्योरेंस सेगमेंट में हमारा जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा ये मानना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ से बहुत बेटर जो ग्रोथ है वो न्यू एज बिजनेसेस में, प्लेटफॉर्म बिजनेस में, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी को आएगा। तो हमने जो हमारी बेट पोजिशन पोर्टफोलियो में ली है वो हमने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली नहीं ली है, हमने पॉलिसी बाजार के अंदर में पोजिशन ली है, और वहां पर हमारा मानना है कि वो इंडस्ट्री से एटलीस्ट 2 से 2.5 टाइम्स बेटर ग्रो करेगा। और जहां तक के HDFC लाइफ का सवाल है तो देखिए यहाँ पर पे थोड़ा सा VNB मार्जिन भी घटा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जैसी ग्रोथ हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से देख रहे हैं वहां ज्यादा बेटर ग्रोथ आ रही है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है, तो हमें इस समय लगता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज ही आने वाले कई समय तक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओके, HDFC लाइफ नंबर्स पे रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे 6:10:25। मीनवाइल आशीष जी, अब एक काम करते हैं, लगे हाथ आपका यहाँ पे आउटलुक लेते हैं, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा यहाँ पर आशीष जी? जी, तो NBFC कंपनी में हमारा एक टॉप बेट रहेगा, और मैं डिस्क्लोजर रहूंगा कि वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, उसकी चर्चा पहले भी की है, स्टॉक है पूना वाला फिनकॉप। मुझे लगता है कि एक तो टेक्निकली बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने 470 के जोन में बनाया है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक 600 रुपए तक के अपसाइड आने वाले कुछ महीनों में दिखाने को नजर आ सकता है। जहां तक के बिजनेस की बात है तो हम देख रहे हैं कि 35 से 40% की लोन ग्रोथ कंपनी ने अपने गाइडेंस में इंडिकेट किया है। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 4.5 से 5% के आसपास आते हुए नजर आएंगे, और जिस तरह से GNPA के नंबर्स है वो भी काफी कंफर्ट देते हैं, और जो कि